मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के द्वारा चिटफंड कंपनियों और माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही ताबड़तोड़ मुहिम के पश्चात भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का खौफ ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला ताजा सामने आया है, जब शहपुरा में कुछ महिलाओं की सजगता के चलते एक चिटफंड कंपनी के दो कर्मचारियों को पकड़ा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पीबीसी न्यूज के माध्यम से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर अंतर्गत आने वाले शहपुरा थाने का है, जहां एक प्राइवेट कंपनी द्वारा ट्रेनिंग के नाम पर क्षेत्र के आसपास की महिलाओं को एकत्रित कर शहपुरा पीडब्ल्यूडी के पास एक भवन में ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन कंपनी सीवनी के द्वारा महिलाओं से 1200 की राशि ट्रेनिंग के नाम पर ली जा रही थी। इनका खेल तब बिगड़ गया जब कुछ सजग महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर तहसीलदार शहपुरा गौरव पांडे, शिक्षा विभाग के बीआरसी आरआई पटवारी आदि मौके पर पहुंच गए और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे दोनों लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर ट्रेनिंग दे रहे दोनों व्यक्तियों को शहपुरा एसडीएम के समक्ष ले जाया गया और जिन महिलाओं से इन्होंने पैसे लिए थे उन्हें वापस करवाया गया और जिन महिलाओं की राशि बच गई थी उस राशि का पंचनामा बनाकर बीआरसी शहपुरा को सौंपा गया, ताकि जिन महिलाओं को राशि हो उन्हें वापस किया जा सके। हमारे द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको आने ट्रेनिंग देने के बाद खाद्य विभाग के विषय में सब कुछ समझाया जाएगा, कोविड-19 के विषय में समझाया जाएगा। और आप एक बार तो छोड़ चुकी ट्रेनिंग, 800 वाली नहीं दी आपने ट्रेनिंग, अब ये मौका नहीं छोड़ना, आप इस मौका को जरूर आप करिए। तो मैंने कहा मैडम हमारे बच्चे नहीं है घर में, हम बच्चों से पूछ लेंगे जबकि हम आपको बाद में बताएंगे। 1200 रूपए लेके आना, और भी तो बताई थी, सब बताई थी जा। हाँ, रजिस्ट्रेशन आपका खाद्य विभाग का और आधार कार्ड की फोटो का भी और तुम्हारे से पासबुक की फोटो का भी वगैरह सब अपने कागजात पूरे तैयार करके आप लेके आना। और आज भी 11:30 बजे फिर फोन आया था, हमारे पास फोन नंबर दिए दोनों। ये मामला आया था महिलाओं का, जो 1200 रूपए की वसूली बोल रहे थे, महिलाएं वसूली की जा रही, क्या था सर पूरा मामला? इसमें बेसिकली जो आयुक्त फूड हैं सेफ्टी, उनकी तरफ से ये पत्र जारी हुआ था कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि फूड हेल्थ के विषय में ट्रेनिंग देंगे और उसके लिए 8-10 संस्थान इन्होंने भोपाल से अधिकृत कर दिए थे। तो ऐसा बताया गया इनके द्वारा कि हम ग्लोबल इंस्टीट्यूट या ग्लोबल के नाम से एक चैरिटेबल संस्था है जो कि ये फूड ट्रेनिंग का काम कर रही है, लेकिन किसी प्रकार से थ्रू प्रॉपर चैनल इनको आना था, ये प्रॉपर चैनल से नहीं आए हैं। मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर जो जबलपुर है उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हमको ऐसा जानकारी मिली थी हमारे आयुक्त महोदय से, लेकिन किसी प्रकार का हमने उसको लोगों को पहले से नहीं बताया है कब ट्रेनिंग दे कैसे और कितनी फीस वसूल करेंगे, इसकी जानकारी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर को नहीं थी। तो उसके संबंध में हम लोगों ने ऊपर बात करके और लोगों से कोऑर्डिनेट कराया और लोगों के पैसे भी वापस कराए हैं, 1200 रूपये जो वसूले गए थे, और उनको कहा है कि यदि उनको आना है तो प्रॉपर कलेक्टर सर से परमिशन लेके और वो आगे यहाँ पर अपना कैंप कर सकते। सर इस अभी समझाइश दी गई है कि कार्रवाई भी की जाएगी इनके ऊपर? नहीं, अभी तो प्रारंभिक तौर पे देखने में समझ में आता है प्रथम दृष्टा की चीजें सही है, बस ये है कि इन्होंने प्रक्रियात्मक भूल करी है, तो अभी किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया है, बस पंचनामा बनाने के लिए कहे ताकि सभी के पैसे वापस हो सके। पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।